आप टेक्नोटेक जीपीएस का कोई भी वीडियो देख रहे हो तो आपको नीचे सब्सक्राइब का बटन दिख जाएगा, इस पे सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके बगल में बेल आइकन है, इसको दबाना बिल्कुल मत भूलिए। और अगर आपके पास किसी भी कंपनी का कैसा भी जीपीएस है तो आप हमें कॉन्टेक्ट करके उसको चालू करा सकते हैं। नीचे आपको नंबर दिए गए हैं, कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, ईमेल भी कर सकते हैं। कैसा भी जीपीएस हो आप उसको ऑनलाइन मैप के ऊपर चलता हुआ देख सकते हैं। फिर हेलो हेलो बोले सर, मैंने ना जीपीएस ट्रैकर मंगाया था ऑनलाइन, तो मैंने उसको फिट कर दिया है। अपना ऐप ट्रैकर है तो उसको रिचार्ज करना पड़ता है क्या सर, स्टार्ट करने के लिए? उसका फोटो वगैरह भेज दीजिए और आपको 600 पे करना होगा उसके लिए। रिचार्ज करना पड़ता है क्या ऐसा? वो तो मैंने फोटो वीटो सब भेज दिया है, मेरा डिटेल वगैरह सब भेज दिया है उनको व्हाट्सएप पे। इनको भेज दिया है? वो जो ऐप में जो पेपर आता है ना, वो पेपर पे सब लिखा होता है और उस पे उनका नंबर होता है कंपनी वालों का। अच्छा चलो ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो बोल रहे हैं मेरे को कि 900 रुपए का रिचार्ज करवाना पड़ेगा, बोले तब भी चालू होगा बोले। वो किसमें कराना पड़ेगा 900 रुपए का रिचार्ज? उन्होंने है ना वो ट्रैकर के साथ में एक सिम कार्ड, तो वो बोल रहे थे कि इसको 900 रुपए का रिचार्ज करना पड़ता है बोले, तब ये चालू होता है बोले जीपीएस ट्रैकर। ऐसा रहता है क्या सर? सर देखो वो बेवकूफ बनाते हैं और कुछ नहीं है। तो कितने का मिला आपको? तो 1590 रुपए का मिला है सर। अरे सर बेकार में आप फंस गए। फंस गया लगता है, मैं सही में फंस गया मैं। सर आपने वीडियो हमारा देखा होगा, खरीद उनसे लिया होगा? हाँ वो वीडियो वगैरह देखा है मैंने आपका, और उधर से ही नंबर लिया मैंने आपका, तो अभी कॉल किया मैंने आपको, तो वही मैं पूछ रहा था कि ऐसा होता है उसको रिचार्ज करना पड़ता है क्या? ऐसा होता है, वो होता है पोस्टपेड सिम। हाँ ठीक है। हाँ हाँ बट वो पोस्टपेड सिम होता है, उसके अंदर क्या होता है सर देखो एक चीज है, ठीक है। हाँ। तो दो सिम आपसे 900 रुपए ले लेंगे। हाँ उसके बाद 3 महीने 4 महीने बाद आपका सिम बंद करा देंगे जो इन्होंने साथ में भेजा है, क्योंकि उसको आप चालू नहीं करा सकते, उसको बंद नहीं करा सकते। सारा कंट्रोल पेरेंटल कंट्रोल जो है होगा। हाँ 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 ठीक है। तो आप 900 रुपए देने के बाद उसमें कुछ नहीं कर सकते अगर 3 महीने बाद, क्योंकि वो 1590 में दे रहा है ना आपको जीपीएस। हाँ हाँ ठीक है। तो वो कान घुमा के पकड़ रहा है, हम लोग सीधा पकड़ते हैं। हाँ आपसे पहले ही पैसे ज्यादा लेते हैं हम, 1590 में जीपीएस नहीं लेते आप। हाँ 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 ठीक है। हम लोग पहले ही पैसे ज्यादा लेते हैं, आपको बता के लेते हैं। ये लोग क्या करते हैं आपको बेच देंगे, उसके बाद पैसा ठगेंगे आप। हाँ, हाँ, सस्ता दिखा के अभी आपसे 900 रुपए लेगा, 3 महीने बाद सिम बंद हो जाएगा, फिर आप अपना पर्सनल सिम डालोगे उसके अंदर, फिर उसके अंदर रिचार्ज कराओगे। तो ये हम लोगों से ना बहुत ज्यादा कॉस्टिंग ऊपर निकल जाती है इनको। ठीक है सर, ये चीज होता है। और हम लोग जो है आपका डॉक्यूमेंट भी लेते हैं, हम लोग सिम देते हैं। तो और सर सिम ना आप अपना डाल लीजिए, ज्यादा बेटर है। अपना डाल लू? हाँ उसमें 49 का रिचार्ज होगा मंथली का। हाँ 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 ठीक है, वो कराते रहिए और जब तक आप रिचार्ज कराते रहेंगे आपको चलता रहेगा, कब कोई आपको ठग नहीं सकता उस केस में, कि आपके हाँ, वो भी। कोई और बंद नहीं करा सकता उसको। हाँ सर, और एक बात और है, मैंने उनका ऐप डाउनलोड किया था। हाँ। तो ऐप डाउनलोड में वो ओपन नहीं होता है, वो यूअर नेम और नीचे बोलता है पासवर्ड। सर ऐसा होता है उनका चाइनीज ऐप होता है, ठीक है। हाँ, वो हाँ, सबके लिए फ्री है। हाँ, ठीक है। वो खुद भी चाइनीज, उनका वो खुद का ऐप नहीं होता है, ठीक है। हाँ, चाइनीज ऐप के ऊपर मास्किंग कराते हैं। हाँ, हाँ, मास्किंग इन द सेंस आपको ऐप दिखेगा क्या, लेकिन वो कंपनी ओरिजिनली किसी और का होगा, सिर्फ आपको वो नाम दिखा रहा होगा। हाँ, हाँ, तो फिर होता ही है सर के वो सबके लिए फ्री होती है। हाँ, हाँ, तो वो फिर चलती नहीं है ढंग से, आपका नहीं खुल रहा है। हाँ, तो सारी दुनिया के लिए फ्री है, तो कोई भी कर ले उस पे आगे, किसी को कोई रोक नहीं सकता। अब हमारा क्या है, हमारा पेड होता है। हाँ, उस पेड में आपको एक ये बेनिफिट है, आपका वो कभी बंद नहीं होगा। हाँ, तो और सॉफ्टवेयर एंड से आपको पूरा सपोर्ट मिलता है। हाँ, कि आपने जीपीएस लगवा लिया, आप उसको अगर देख नहीं पाओगे तो वो तो जीरो है। हाँ, आपको विदाउट इंजन की, विदाउट इंजन की गाड़ी दे दे तो क्या करोगे? वही ना सर, वो टेंशन हो गया है मेरे को अभी, क्या बताए आपको। सर 1500 में जीपीएस लिया ना तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर। आप उसमें अपना पर्सनल सिम डालिए, जीपीएस का फोटो मुझे भेज दीजिए। हमारा सॉफ्टवेयर का जो है 1 साल का 600 रहता है। हाँ बेटा, फर्स्ट ईयर है, आपने वहाँ से ले लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है।
आप उसका मुझे 400 पे कर देते ना, सिम आप अपना डाल देना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और सर एक चीज और है, ऐसा होता है कि आप कहीं और ना जा पाओ, किसी और को सॉफ्टवेयर ना ले पाओ, तो ये लोग क्या करते हैं, ये जीपीएस के अंदर ऑलरेडी लॉक करके देते हैं पासवर्ड प्रोटेक्ट करके, ठीक है। तो सर ये बहुत सारे लोच हैं इस इंडस्ट्री में। अब हम लोग क्या है, हम लोग ये सब नहीं करते, हमारे बस का नहीं है। हाँ, वो है सर। हम लोग साफ सुथरा पहले ही कस्टमर को बता देते हैं। इसके लिए भी मैं एक वीडियो डालूंगा कि ये लोग ना बहुत बेवकूफ बनाते हैं। मैं आपको रिकॉर्डिंग भेज दूंगा ना, आप हैरान रह जाओगे। हजार हजार सिम ना, हजार सिम है उठा के 3 महीने बाद बंद कर दी एक बंदे की, पैसा पूरा लेके लगभग 3 लाख रुपए की चपेट लगा दी और उसके बाद उसका कोई सुनवाई नहीं है कहीं पर भी। और हमारा सिम क्या है, आपको एवरी ईयर पे करना है, करो, आपसे पहले कॉल आएगा, आपसे पूछा जाएगा, उसके बाद आप नो करोगे तो ही आपका सिम बंद होगा। हाँ, वो है। सिम कभी बंद नहीं होगा। हाँ, वो तो है। जब ये लोग इतना ऐसे सिम दे देते हैं ना, तो सर इनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता उसको बंद कराने का। हमारा क्या, आपका सिम का डॉक्यूमेंट भी लगेगा आपका। हाँ, आपका डॉक्यूमेंट होगा, आपके नाम पे जिस सिम इशू होगा, लेकिन होगा उसका बिल हम पे करेंगे, बट आप वन सिम में दोगे हमें पैसा। और जो हमारा एयरटेल का सिम है वो हम देते हैं 800 में, और जो आइडिया का सिम है वो हम देते हैं 600 में। ठीक है सर। तो अभी अभी मेरे को ऐसा लग रहा है सर, ये लगा हुई ही नहीं मैं। नहीं सर, देखो ऐसा नहीं है, आप एक काम करो, आप उसमें पर्सनल सिम डालो अपना। हाँ, ठीक है, उसमें पर्सनल सिम डालो, मुझे उसका नंबर बता देना, जीपीएस का फोटो भेज देना, ठीक है। हाँ, अगर हाँ, वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड होगा, हाँ, ठीक है, तो मैं आपको बता दूंगा, तो उसको रिटर्न कर देना। नहीं होगा, ठीक है, तो आप उससे सारा अपना लेना देना खत्म करो, ठीक है। 1500 है, 400 आप मुझे दे देना, 1900 हो गया आपका, ठीक है। और हर महीने 49 का रिचार्ज होगा। आप अपना नाम पे सिम लेके डाल लेना उसमें, उनका सिम मतलब 50 रूपए का हर महीने रिचार्ज होगा ऐसा। हाँ, और उनका सिम उठा के फेंक दो आप। मिलेगा सर, मैं आपको कॉल करेगा फिर, ठीक है। क्योंकि ये लोग क्या है, घुमा के कान पकड़ेंगे आपका, साल भर बेवकूफ बनाते रहेंगे, और 3 महीने बाद सिम बंद करा देंगे ना, आप उसमें कुछ नहीं कर पाओगे। हाँ, वो तो है, कुछ नहीं कमाया। 1590 में दिया है तो इन्होंने कोरियर चार्ज भी दिया होगा, और कोरियर चार्ज और अमेजोन या फ्लिपकार्ट जिससे भी लिया उसकी फीस होगी, ठीक है। फ्लिपकार्ट से लिया है। हाँ, फ्लिपकार्ट से लिया ना, 250 रूपए उसकी फीस है। हाँ, ठीक है, 250 फीस। हाँ, 70-80 रूपए कोरियर जाता है, लगभग 300 रूपए दिया है इसने। इसका कितना हो गया, ये 1200 रूपए। 1200 रूपए इसने कुछ नहीं कमाया है सर। आज की डेट में चाइना से माल महंगा हो गया है, ठीक है, ये घर पे पड़ता है। अब ये क्या है, सिम जो इसका पड़ेगा, ठीक है, वो पड़ेगा उसपे आपको 300-400 रूपए मार देगा ये। हाँ, सिम मतलब 900 रूपए आपसे ले लेगा, 3 महीने बाद बंद करा देगा। 3 महीने का इसका जाएगा 150 रूपए। सही है सर, ठीक है। 150 रूपए मतलब उसने 650 वहां कमा लिया। नहीं, 650 सही है ना सर, 750 वहां से कमा लिया, ये कमाई यहाँ से चल रही है। वो तो है, बहुत गड़बड़ है सर, बहुत गड़बड़ है। ठीक है सर, जाने दीजिए। मतलब लोग कहते हैं गाड़ी 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 दे रहे हो। हाँ ठीक है, मेरी गाड़ी जो दे दो, फिर कहते हैं अब आपको इंजन अलग से लेना पड़ेगा इसका। नहीं नहीं, वैसा थोड़ी कहते क्या। नहीं सर, जीपीएस का इंडस्ट्री ऐसा ना, लोगों को अवेयर नहीं है। हाँ, पता नहीं, इसलिए वो बेवकूफ बन जाते हैं लोग। हाँ, तो इसीलिए वो सस्ता बेचते हैं। हम लोग नहीं बेच पाते सर सस्ता, क्योंकि हमें पता है ना क्या है, हम आपसे सिम का 1 साल का पैसा ले लेंगे, ठीक है। हाँ, सही है। एक साल सर्विस भी देना पड़ेगा ना आपको, ऐसा थोड़ी ना 3 महीने उठा के बंद करा देंगे। सही है ना सर, वही सही तो रहता है सर। देखो हमारा काम बहुत अच्छा चल रहा है, उसका रीजन यही है, ठीक है। सच बोलो, साफ सुथरा बोलो, कस्टमर से पैसा लो, बोल के लो उससे, वो दे देगा। उसको बेवकूफ बनाओगे, ठीक है, तो उसको बहुत गुस्सा आएगा, ठीक है। और हो सकता है वो आपका जीपीएस निकाल के फेंक दे और आपको नेगेटिव रेटिंग भी दे दे। चलो ठीक है सर, क्या बताया, गाड़ी की वैल्यू के आगे कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ अपनी सिक्योरिटी के लगा रहा है। अब उसका सिक्योरिटी उल्टा उसका दिमाग में सर में दर्द कर दे तो क्या फायदा उस चीज का। यही चीज है, आजकल तो बहुत लोग पासवर्ड वगैरह लगा के देते हैं, वो जीपीएस फिर किसी और सर्वर पे चलता ही नहीं है। एक्चुअली जीपीएस ऐसा होता है, वो किसी भी सर्वर पे चल जाता है। अभी सर मान लो मैंने अगर आपके पास से सिम लिया और वो जीपीएस में अगर पासवर्ड रहा, तो मतलब आप दूसरा, मैंने अगर मान लो दूसरा सिम डाल दिया उसमें, तो वो चालू होगा कि जीपीएस। देखिए ऐसा है, सिम दूसरा डालोगे ना, अपना पर्सनल सिम डालोगे। हाँ, जीपीएस में सिम इसलिए जरूरी होती है, उसको सिर्फ इंटरनेट चाहिए। जो आपको एक सिम से प्रोवाइड करना है, चाहे वो आपके नाम पे ले लो, चाहे किसी के पे ले लो, सिर्फ उसको इंटरनेट चाहिए, ताकि वो
डेटा दे सके। हाँ वो है, और उसके बाद में हम सिम दूसरा लगा लिए, उसके बाद में हम ये जो ऐप ओपन किया है तो ये सर्वर नेम और पासवर्ड मांगता है, इसको क्या करना पड़ेगा फिर? सर देखो सर्वर जो है वो हमारा होगा, फिर इसका सर्वर नहीं होगा। ऐसा है क्यों? सर्वर हमारा होगा, हमारा खुद का सर्वर होगा, जिसपे आप हमें कभी कंप्लेंट करोगे तो हम कभी भी देख सकते हैं कि आपके साथ क्या इशू है। हाँ आपको एडमिन के पास जाने की अब जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो आपके पास जीपीएस आ चुका है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं। उसके अंदर सर्वर 400 रुपए दे देना, लेकिन आप ही बता दूं नेक्स्ट ईयर से आपको 600 ही देना होगा। और आप अपना पर्सनल सिम डाल लो, क्योंकि उनका सिम डालोगे तो कुछ नहीं पता कब बंद करा दें, उसके बाद आपको दोबारा अपनी गाड़ी खोलनी पड़ेगी सिम चेंज। तो ये सब सर बहुत लफड़े हैं, मैं इस पे एक वीडियो बनाऊंगा सर, डालूंगा, क्योंकि क्या है हम लोगों को कंपटीशन नहीं बीट कर पा रहे हैं इन लोगों से, और यही रीजन वो है ना सर। मैं रात को दूसरा वीडियो देखा था तो उसपे मैंने लिख दिया था कि सिम कार्ड चालू करने के लिए जीपीएस चालू करने के लिए रिचार्ज करना पड़ता है ऐसा। अच्छा। तो आप है ना एक वीडियो डाल ही दीजिए, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम होता है ये। डाल दीजिए, कम्प्लीट डालूंगा, क्योंकि जीपीएस जो है ना तीन चीजों से मिलकर चलता है। हाँ, एक तो हार्डवेयर जो आपके पास आ चुका है, एक सिम, और तीसरी जो उसको देखोगे कहाँ पे, उसके लिए सॉफ्टवेयर चाहिए होता है, ठीक है, जो आपको किसी से रेंट पे लेना पड़ता है। तीन चीजों से मिलके जीपीएस बनता है, लेकिन जब कस्टमर ऑनलाइन देखता है तो उसको लगता है जीपीएस मतलब जीपीएस है, बस ये जीपीएस। लेकिन उसको नहीं पता इसमें दो चीजें और ऐड होनी है बाद में, जिसको चार्ज करेगा। हाँ वो तो है सर। हाँ, और एक बार हार्डवेयर ले लेता ना आदमी तो सोचता चल कोई बात नहीं यार, 600 ले रहा है ये, 900 ले रहा है, 900 दे दो, लेकिन ये किचकिच खत्म हो, ठीक है, लेकिन बाद में दिक्कत होता है। वो तो है सर। बेस्ट तो यही है, अगर आप कर सकते हो, आपका एक ही गाड़ी है तो आप अपना सिम डालो और उसको रेगुलरली टाइमली रिचार्ज कराओ। उस केस में क्या होगा, कोई भी आपका जीपीएस बंद नहीं कर सकता। जीपीएस के दो तरीके होते हैं सर लोकेशन देने के, एक तो सॉफ्टवेयर पे लोकेशन देता है बाय इंटरनेट, ठीक है, और एक देता है एसएमएस पे। अपना सिम है, ठीक है, अगर वो चालू है तो कोई माइकल लाल ऐसा नहीं है जो आपके जीपीएस से एसएमएस से लोकेशन, आप एसएमएस से लोकेशन तो ले ही सकते हो, चाहे सर्वर डाउन हो, बंद हो, कुछ भी हो, एसएमएस के थ्रू आपका 1 रुपया लगेगा आपकी, लेकिन गाड़ी लोकेशन देगी आपको। हाँ वो तो है सर। अगर सॉफ्टवेयर से भी बंद हो जाता है, मान लो हमारा सॉफ्टवेयर 1 साल हो गया तो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा वो, आप देख नहीं पाओगे, लेकिन अगर आप उसको नहीं चलाना चाहते हो तो आप अपना एसएमएस से लोकेशन ले सकते हो, उसकी एक एसएमएस की कमांड होती है, वो दोगे जीपीएस आपको उधर से लोकेशन रिप्लाई करेगा। ठीक है सर, सही है, फिर आप जो बोल रहे हो वो तो सही है। के साथ आप वो नहीं कर सकते हो, आप ना एसएमएस भेज पाओगे, ना वो रिसीव करेगा, ना आपको रिप्लाई करेगा कभी। हमारा जो जीपीएस का जो सिम है वो ट्राई ने 13 डिजिट का कर दिया है। जो अथॉरिटी है ना गवर्नमेंट, उसने जो जीपीएस या मशीन में जो भी जीपीएस वो सिम में यूज होते हैं उनको 13 डिजिट कर दिया है, और 13 डिजिट पे आप मैसेज अपने 10 डिजिट से भेज ही नहीं सकते। तो इनकेस अगर आप सॉफ्टवेयर रिचार्ज नहीं कराते तो दोबारा फंस जाओगे आप। ठीक है सर, फिर ठीक है सर, बनाता हूँ सर, मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाता हूँ इस चीज को लेकर। ठीक है सर, धन्यवाद। आप कहाँ से है सर? दिल्ली से है सर हम लोग। अच्छा, ठीक है।